तिरंगे को आज हम जिस रूप में देखते हैं उसका श्रेय शायद किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। तिरंगे का मौजूदा रूप अलग अलग वक्त में बने झंडों और इसकी सोच से मिली प्रेरणा का नतीजा है। तिरंगे की इस विकास यात्रा में शायद साल 1931 सबसे खास जगह रखता होगा, क्योंकि यही वो साल था जब एक प्रस्ताव पास कर ये फैसला किया गया कि तिरंगा ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा। अब आप जरूर यही सोच रहे होंगे कि तिरंगे के इस प्रस्ताव पर सभी ने अपनी सहमति जता दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक व्यक्ति था जिसे तिरंगे का मौजूदा स्वरूप स्वीकार नहीं था, और वो थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और आपके साथ मैं हूं सौरभ। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की घोषणा की। आजादी के बाद तिरंगे में मौजूदा तीनों रंग और उनकी अहमियत वैसी ही रही जैसी इसे तैयार करते वक्त सोचा गया था, लेकिन इससे एक बदलाव ये किया गया कि अब झंडे के बीच में चरखे की जगह अशोक के धर्म चक्र ने ले ली थी। गांधी जी को जब मालूम हुआ कि तिरंगे से चरखे को हटाकर अशोक चक्र लगाया जाएगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। इस बात को लेकर लाहौर में गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने अपनी नाराजगी का इजहार किया। मैं भारत के ध्वज में चरखा हटाए जाने को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं झंडे को सलामी देने से मना कर दूंगा। आप सभी को मालूम है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सबसे पहले मैंने सोचा, और मैं बगैर चरखा वाले राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात गांधीवादी स्कॉलर और रिसर्चर LS रंगराजन ने अपने एक लेख में लिखी थी। दरअसल गांधी जी तिरंगे में चक्र के खिलाफ इसीलिए थे क्योंकि उनका मानना था कि ये उस अशोक की लाठ से लिया गया है जिसमें शेर भी है, जो हिंसा का प्रतीक है। गांधी जी ने कहा था कि भारत की आज़ादी की जंग अहिंसा के सिद्धांत पर लड़ी गई है। कोलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 71 प्रथम संस्करण पेज 234 पर गांधी जी ने लिखा, चरखा केवल सूत कातने वाला उपकरण ही नहीं है जो गरीबों को रोजगार और आमदनी मुहैया करवाएगा, लेकिन इसका मतलब कहीं ज़्यादा है। ये सादगी, मानवता और किसी को कष्ट नहीं देने के साथ गरीबों और अमीरों, पूंजी और मजदूरी के बीच एक अटूट बंधन का प्रतीक बने। कुल मिलाकर ये चरखा अहिंसा का सिंबल बने। अब बड़ा सवाल, आखिर गांधी जी ने तिरंगे पर अपनी सहमति दी कैसे? दरअसल सरदार पटेल और नेहरू ने गांधी जी को समझाया कि तिरंगे में चक्र का मतलब विकास होता है और ये अहिंसा का प्रतीक चरखे का ही रूप है। फिर चक्र को लेकर गांधी जी का मन बदला। गांधी जी ने 3 अगस्त 1947 को हरिजन बंधु में द नेशनल फ्लैग नाम से दार्शनिक अंदाज में लेख लिखा जिसमें उनकी नाराजगी के कोई संकेत नहीं थे। महात्मा गांधी ने लेख में लिखा कि राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंगों का मतलब कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जो भी अनेकता में एकता का मतलब समझेगा, जो समझता होगा, वो इन तीनों रंगों के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अशोक चक्र अहिंसा का दैवीय कानून है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।